अच्छा लेसन 10 स्टार्ट करेंगे. डाउन योर हैंड्स बेटा. चलिए सबका पहले तो मैंने आपसे सैटरडे को बात करी थी तो मैंने आप सबको बताया था. अभी आपका जो वर्क जिन बच्चों का मेरे पास नहीं आता है, जिन्होंने अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स पहले अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और जैसे जैसे अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका वर्क कंप्लीट होता जाएगा. आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे. तो आज हम अपना एसएसटी का लेसन नंबर 10 आर गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 10 आर गवर्नमेंट, तो उसमें हम लोग आवर गवर्नमेंट में हम लोग सबसे पहले कई चीज़ें इसमें हम आप पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या क्या मैं आप बता देती हूँ, इस चैप्टर का ओवरव्यू समझा देती हूँ. जैसे रोल ऑफ द गवर्नमेंट में हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, उसके क्या काम होते हैं. फिर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें जो गवर्नमेंट है उसके ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं. फिर उसमें थर्ड टॉपिक हम कवर करेंगे लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लेवल कौन कौन से होते हैं. आप सबको पता है गवर्नमेंट क्या है, है ना? तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आर्ची से. आर्ची अपने आप को अनम्यूट करो. चलिए इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड उसके बाद में हम बात करेंगे लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं भी गवर्नमेंट होता क्या है. गवर्नमेंट सर, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंट्री. किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है, है ना? जिससे क्या होता है, हमारे सारे काम स्मूथली चलते हैं. तो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, हमारी कंट्री को रन करने के लिए हमारे हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें, देखिए उसमें सबसे पहले वो बता रहे हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ अ बिलियन पीपल. भी जो इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. एवरी अडल्ट सिटीजन वोट्स हियर. सिटीजन क्या होते हैं, सबसे पहले हम मैं आपको बताऊंगी. सिटीजन होते हैं जो लोग किसी कंट्री में रहते हैं, उनको वहाँ पे रहने का पूरा अधिकार होता है. उनकी पूरी सारी उस कंट्री में रहते हैं और उनको वोट करने का, वोट होता है. वोट क्या होता है, जब हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव जो अपना चुनते हैं वो हम उसके लिए वोट करते हैं. जैसे मान लो हम क्लास में मॉनिटर चूज करते हैं तो हम उसमें से अपनी चॉइस के 2 या 3 मेंबर को, है ना, चूज करते हैं. फिर सब बच्चे उसमें से चूज करते हैं, तो वो वोट करना होता है जिसको हम चूज करते हैं. वी वोट टू इलेक्ट आवर लीडर्स वो कंटेस्ट इलेक्शन एट द नेशनल स्टेट एंड लोकल लेवल्स. जब हम वोट करके लीडर्स को इलेक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो वो नेशनल स्टेट और लोकल लेवल्स पे भी होते हैं. सब सब हर तरीके से होते हैं. अब देखिए इन्होंने एक पंचायत बताया है. पंचायत होती है जो लोकल लेवल पे वर्क करती है, जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं वहाँ पे वर्क करती है. सी दिस इज पंचायत, ये पंचायत है जो लोकल लेवल में विलेजेस में काम करती है. दे वर्क इफेक्टिवली इन विलेजेस एट द लोकल लेवल. देखो उन्होंने बताया ना, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं, वहाँ लोकल जो लोग होते हैं वो अपने लेवल पे वर्क करते हैं. अगर उनको कुछ भी पूछना होता है, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो अपने गांव के पंचायत होती है उसमें कुछ लोग बैठते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? तो वो लोकल लेवल पे जो वर्क होता है. फिर उसके बाद में वो बता रहे हैं आवर डेमोक्रेसी आल्सो हैज जजेस अपलोड अपहोल्ड जस्टिस इन द सोसाइटी. आवर डेमोक्रेसी को कहते हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो क्या है, ऑल्सो हैज जजेस. जो जजेस जो होता है हु अपलोड जस्टिस इन द सोसाइटी, जो क्या कहते हैं, जो क्या करते हैं, किसी निर्णय जो भी कोई डिसीजन लेना होता है उसमें अपना समर्थन देते हैं. जैसे हम लोग कोई कोई भी बात करते हैं तो वो सही गलत बताते हैं, राइट रॉन्ग होता है, तो वो उसमें अपना अपना डिसीजन देते हैं, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं. एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी, आप लर्न करके आप सोच के रखना भी हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के वो कौन है, ठीक है? आप इसको सोच के रखना, तो मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी.
जो मेल टाइम था वो उधर जो दलिया था उसको सर्व कर रहे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिसीजन डिड द बॉयज टेक. चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर विद आवर गवर्नमेंट. वो तो हम बेसिक ओवरव्यू हमारा समझ रहे थे, तो उसमें हम अब बात कर रहे हैं आवर गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या क्या है, उसके लेवल्स क्या क्या है. तो सबसे पहले गवर्नमेंट पे हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस की. तो जो हमारी ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, सबसे पहले तो मैं आपको ये वापस से रिपीट कर दूं, जो गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, उसके पास क्या होती है, गवर्नमेंट के पास पावर होती है. ठीक है, पावर होती है. कुछ कंट्री, जो हमारी कंट्री है इंडिया है, हर कंट्री के पास होता है. तो जो कंट्री के लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो बनाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बनते हैं, और लोग क्या है उनको मानते भी हैं. ठीक है, लोग उनको मानते भी हैं. और वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, तो हर स्टेट में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो उसमें क्या है, अब एक पर्सन के लिए तो ये मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है कि सिंगल गवर्नमेंट हो तो पूरी कंट्री को रन कैसे करेगी, है ना, पूरी कंट्री को कैसे रन करेगी. तो इसलिए क्या है, कंट्री को रन करने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या है, कुछ रूल्स बनाने होते हैं, कुछ लेवल्स बनाने होते हैं, कुछ नियम बनाने होते हैं, जो सब बाकी मिलकर उन काम को संभालते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है उसकी ब्रांचेस क्या क्या है. तो देखो, इन्होंने गवर्नमेंट की कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज को. गवर्नमेंट की ब्रांचेस, सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या होता है, इसको हिंदी में विधायिका भी कहते हैं. लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है. ठीक है, हमें पता होना चाहिए लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. जो ये ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, उसमें लेजिस्लेचर क्या होते हैं, लॉज मेक लॉज, जो लॉज को बनाते हैं, जो नियम रूल्स जो भी होते हैं वो बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का हिंदी मीन होता है कार्यपालिका. जैसे हम लोग लेजिस्लेचर को विधायिका कहते हैं, वैसे एग्जीक्यूटिव होता है कार्यपालिका. तो कार्यपालिका क्या करती है, मेक श्योर दैट द लॉज आर फॉलोड. जैसे लेजिस्लेचर ने लॉज बना दिए, तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, यह श्योर करता है, मेक श्योर करता है दैट जो लॉज है वो सब फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं फॉलो किए जा रहे हैं. उसके बाद है जुडिशरी. जुडिशरी को हम बोलते हैं न्यायपालिका. जैसे लॉज बन गए, ये श्योर हो गया अभी उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा, और जो फॉलो नहीं करता है जुडिशरी, वो क्या कहते हैं, डिलीवर जस्टिस, वो न्याय का काम करते हैं, न्यायपालिका, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं. मतलब ये क्या है, श्योर करती है वो चीज़ें सब मान रहे हैं, उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं सब या नहीं करते हैं. उसके बाद है, जैसे आप वापिस से मैं एक बार लेजिस्लेचर बता देती हूँ, जो लॉज को बनाते हैं इनका काम होता है, ये एक गवर्नमेंट की ब्रांच होती है जो लॉ बनाती है. एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, जो श्योर करते हैं भी उन लोग उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, जो लॉज या नियम बने होते हैं उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं. उसके बाद जुडिशरी है, वो जस्टिस, जो डिलीवर्स जस्टिस, जो उसको डिलीवर करती है. उसके बाद है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लेवल क्या क्या है, तो सबसे पहले है गवर्नमेंट का जो लेवल गवर्नमेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, टेक केयर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, यूनियन टेरिटरीज. ये क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये पूरी कंट्री पे रूल करती है, मतलब रूल ओवर द होल कंट्री, पूरी कंट्री पे. और इसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज एंड सो ऑन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. ये स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, द गवर्नमेंट दैट ऑपरेट्स फ्रॉम द स्टेट्स, जो स्टेट लेवल पे जो वर्क करती है, लॉ ऑर्डर को करती है, ट्रांसपोर्ट को, हेल्थ सर्विसेज को,
जो पर्टिकुलर स्टेट में वर्क करती है। उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये हमें बेटा याद रखना पड़ेगा भी इसकी ब्रांचेस क्या क्या होती है और लेवल क्या 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 होते हैं। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसमें ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ये चीज़ें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आती हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें तो एक बार खुद लर्न भी करनी पड़ेंगी और याद भी रखना पड़ेगा भी हमारी गवर्नमेंट की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर होते हैं वो लॉ को बनाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो श्योर करते हैं कि जो लॉज या नियम बन रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद जुडिशरी होते हैं वो क्या करते हैं जस्टिस को डिलीवर भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो न्यायपालिका होती है वो न्याय का कार्य ही करती है। उसके बाद जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तीन है, थ्री है, गवर्नमेंट के लेवल कितने हैं, थ्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, होल कंट्री पे वर्क करता है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे वर्क करता है, और लोकल सेल्फ जो ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत पे वर्क करता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हम इसको बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, इस लेसन को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट होता क्या है। सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न द कंट्री। वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करते हैं, कंट्री को गवर्न करते हैं, मतलब उनको चलाते हैं। इट मेक्स रूल्स फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। ये क्या करते हैं सिटीजन्स के लिए। सिटीजन क्या होता है, सिटीजन होता है समवन हु हैज राइट टू लिव परमानेंटली। जो कंट्री के अंदर लोग परमानेंटली रहते हैं, किसी भी कंट्री में, इंडिया में रहते हैं तो वो इंडियन सिटीजन हो जाते हैं, जो फॉरन में रहते हैं वो फॉरनर्स सिटीजन हो जाते हैं। जो अपने कंट्री का होता है ना वो सिटीजन होता है। मतलब जो समवन हु हैज राइट टू लिव परमानेंटली इन पर्टिकुलर कंट्री, जो पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, एंड हैज द राइट टू द लीगल एंड सोशल बेनिफिट ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स के लिए जो उनको राइट्स होते हैं ऑफ दैट कंट्री एज वेल एज लीगल ऑब्लिगेशन टुवर्ड इट। ठीक है, तो सिटीजन का मतलब मैंने आपको बता दिया। जो इट मेक्स रूल्स फॉर द वेल बींग ऑफ द सिटीजन, सिटीजन्स के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जो गवर्नमेंट काम करती है। द गवर्नमेंट एंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री। अब गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है जो रूल्स हैं जो कंट्री के लिए बने हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इट ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन। इट ऑल्सो, वो कह रहे हैं ऑल्सो ये वर्क करते हैं जो सिटीजन्स की बेसिक नीड्स होती हैं, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनके लिए भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द लॉज ऑन हाउ द कंट्री शुड बी गवर्न and distributes power between the different levels of government. तो वो कह रहे हैं इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सबको पता है रिटन एक संविधान है जिसमें कुछ क्या है, रूल्स लिखे हुए हैं जिनको फॉलो करना क्या है, जिनको फॉलो करना हर पर्सन के लिए, हर सिटीजन के लिए रिक्वायर्ड होता है, भी ज़रूरी होता है। तो वो कह रहे हैं जो इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द लॉज on how the country should be governed and distribute power between the different levels of government. तो वो क्या करते हैं उसमें government different levels पे power और जो work होता है वो different different levels पे क्या होता है, divide हो जाता है, power divide हो जाती है, जिसको क्या है follow करना, जो level different levels of government है उनको follow करना ज़रूरी हो जाता है, काम हो जाते हैं वो भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट चल रहे हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम इसको एक छोटे से एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे भी गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए,